आज का एजेंडा जारी हुआ था कि आज के डेट में चुनाव होना है, तो मैं स्पष्ट ये चाहता था कि हमारे गांव में चुनाव हो, जनता जिसको चाहे उसको चुनाव जिता दे। लेकिन जो पूर्व कोटेदार हैं वो दबंगई के साथ कोटे की चुनाव लेना अपना हथियाना चाहता था। उसने जब वहां पब्लिक नहीं देखा अपनी पक्ष में, देखा कि पब्लिक पक्ष में जा रही है विरोध में हमारे, तो उसने तुरंत वहां पे हमारे पे जानलेवा हमला बोला। और मैं अपनी जान बचाते हुए, काफ़ी मुझे चोट भी लग गई है और हमारे साथ में जो लोग थे दो तीन उनको भी चोट लग गई है, और काफ़ी मैं अपनी जान बचाते हुए किसी कारण थाने में आकर पहुंचा और तहरीर दिया। और एसओ साहब जाकर के वहां स्पष्ट जो है जांच कर रहे हैं। अब क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमने अपनी जान बचाकर थाने में आके बैठा हुआ, ठीक है। और हमारा एक जो दोस्त था उसकी एक चैन सोने की गले में पहना हुआ था, बीच भराव में उसकी निकल गई, और दूसरी चीज़ उसकी एक हाथ की घड़ी थी वो टूट गई है, वो उन लोगों ने ले लिया। एक पर्स था, पर्स में 10,000 रुपया वो बता रहा है, 2,000 की नोट थी, जो 10,000 रुपया भी किसी ने निकाल लिया है। और ये चारों ये सारे काम करवाने का काम सिर्फ पूर्व कोटेदार जो था उसके बाप की मृत्यु हो गई थी, उसका नाम फखरुद्दीन उर्फ रईस है, उसी ने यह सारा विवाद कराया। सिर्फ वो दबंगई के साथ कोटा लेना चाहता था, और मैं ये चाहता था कि जनता हम जो कहती है वो होना चाहिए, स्पष्ट चुनाव हो, जिसको जनता चाहे उसको जिता दे करके हम जनता के साथ थे। लेकिन उसने बहुत काफ़ी दबंगई के साथ वहाँ पे हमको जान से मारने की पूरी प्रयास किया, लेकिन जनता मेरे साथ थी, मैं किसी तरीके से बच के थाने में आके तहरीर दे दिया हूँ। और अगर वहाँ मैं जान किसी तरीके से बचा के, जिस तरीके से जनता ने मुझे बचाया है वो तो जनता जानती है, मैं अपनी जान किसी तरीके से बचा के भाग के आया, नहीं तो मुझे वहाँ जान से मार दिया जाता हूँ।